Now, my dear students, in question third, you have to name all the angles which are there in the following figure. This is the figure. So, in this, you have to tell all the angles. So, you can start from here. This angle is XPY, then this one YPZ, then ZPW. तो थ्री एंगल्स बता दी, और भी तो बन रहे हैं हमारे पास, एक्स पी जेड, ये टोटल भी तो बन रहा है, फिर ये भी बन रहा है, फिर ये कंप्लीट भी बन रहा है. आपको ऐसे नहीं जो डायरेक्ट दिख रहे हैं, आपको वो सारे बताने हैं जो पॉसिबल इसमें हो सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एंगल्स. सो नाउ हाउ विल यू राइट, नाउ इट्स सॉल्यूशन. एंगल्स आर कौन कौन से बनेंगे, पी एक्स पी वाई, एक्स पी वाई. यहाँ आप ऐसे मत लिख देना कि वाई पी एक्स, कोई एक ही लिख देना, या वाई पी एक्स लिखो या एक्स पी वाई लिखो. ठीक है, आपको ये नहीं कहा कि हम ऐसे नेमिंग दे सकते हैं इसमें, बस आपको एंगल्स बताने कौन कौन से, या तो एक्स पी वाई या फिर पी वाई एक्स. नेक्स्ट वन इज वाई पी जेड, नेक्स्ट वन इज वाई पी जेड, देन नेक्स्ट वन जेड पी डब्लू, जेड पी डब्लू. नाउ दीज थ्री एंगल्स, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं. नाउ दिस एंगल, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, दिस इज एक्स पी जेड, एक्स पी जेड. नेक्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज वाई पी डब्लू, वाई पी डब्लू. देन नेक्स्ट वन डिसकम्प्लीट, ये एंगल भी तो एक कंप्लीट बन रहा है, दिस इज एक्स पी डब्लू, एक्स पी डब्लू. सो दीज आर द एंगल्स, ये इसमें यही एंगल्स बन रहे हैं, सिक्स एंगल्स आर हियर. ओके, दिस वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ओके, सो दीज आर द एंगल्स. नाउ नेक्स्ट वन, नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन द वेज पॉसिबल. इसमें आपको जितने वेज में आप बना सकते हो उतने लिखनी है. ऑल्सो राइट ऑल द पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स, वो भी लिखने हैं. तो आप इस ट्राइंगल में आप कैसे लिखोगे, नाउ दिस वन ट्राइंगल, आप इस कॉर्नर से रीड करो इसको, क्या आएगा, ए बी सी ट्राइंगल. आपने यहाँ से किया, यहाँ से कर लो, ए सी बी. ठीक है, अब इस कॉर्नर पॉइंट को रखो, बी सी ए, या फिर ट्राइंगल बी ए सी. ठीक है, नाउ दिस कॉर्नर सी ए बी, ट्राइंगल सी बी ए. इसने कहा है कि जितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं सभी में लिखना है. तो आपने ये कॉर्नर पॉइंट लिया तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर इसी कॉर्नर से आप यहाँ से भी तो लिख सकते हो इसको. मैंने कहा था क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किसी में भी लिख सकते हो. आपने यहाँ से लिखा ए बी सी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए सी बी. तो मैंने हर एक कॉर्नर पॉइंट से इसको ऐसे लिख दिया. तो दीज आर द सिक्स वेज. आपने बी से लिखा बी सी ए, या फिर ऐसे बी ए सी. आप एक एक कॉर्नर पॉइंट को रखो, उसको आप उससे आप स्टार्ट करते जाओ. नाउ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर वर्टिसेस. वर्टिसेस कौन से हैं इसमें, ए बी सी, ए बी सी. नाउ साइड्स, साइड्स कौन से हैं इसमें, ए बी, बी सी और सी ए, ए बी बी सी सी ए. ठीक है, these are the parts of the this triangle. Similarly we can write down in this triangle, this triangle can be write down as, आप इस point को रखो P Q R, और आप लिख सकते हो इसको P R Q. और कैसे लिखोगे आप इसको, अब इस point को रखो Q P R, Q P R, और triangle Q R P. एक कॉर्नर पॉइंट को आप रखो, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो. नाउ आर, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, आर पी क्यू, आर क्यू पी.
इस वेज में लिख दिया हमने. नाउ इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस आर पी क्यू आर. नाउ साइड्स पी क्यू, क्यू आर और आर पी, दीज आर द साइड्स. नाउ सिमिलरली दिस वन, नाउ दिस वन ट्राइंगल यहाँ से रखा हमने एल एम एन, ट्राइंगल एल एन एम. नाउ नेक्स्ट वन ट्राइंगल एम एन एल, ट्राइंगल एम एल एन. एम से रखा तो एल एन और एन एल, ठीक है. नाउ ट्राइंगल एन से रखो आप एम एल, एन एम एल और ट्राइंगल एन एल एम, दीज आर द ट्राइंगल्स. नाउ इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस आर एल एम एन. नाउ साइड्स एल एम, एम एन और एन एन, दीज आर द साइड्स. जस्ट आपको इसमें आपको पॉसिबल वेज लिखने थे कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, देन इट्स पार्ट्स. सो आपको इस वे में लिखने हैं. ओके okay?